ये जी फ्लाईओवर ना जिनाह पार्क के स्विमिंग पूल है ये कम अज कम जिनाह बहुत वाला स्विमिंग पूल है देख सकते हो बहुत वही इनकी गहराई है देख सकते हो पूरे मुल्तान में क्या नहीं है ये देखो अगले महीने तक हो सकता है इंशाल्लाह चालू थी वेंगे स्टार्ट है इतनी बना ला हां इंशाल्लाह थी बना ला अच्छा ये अगले महीने जो है ना इंशाल्लाह ये थी वैसी और अच्छा। बाल एंजॉय करे सन और बड़े लोग आके खाना वगैरह या फैमिली को खेल के जरूर आ ठीक है सर बहुत बढ़िया अगला वैसे वो मनाकर के सकता हूं ना शुजाबाद की एक मशहूर जगह है नई टाइम खाना सामने नगरानी की होती है रेलवे पटड़ी क्योंकि ये जरी रेलवे पटड़ी है ना बहु पुरानी है और ये रेलवे पटड़ी चाइना ने बनाया है ना तो मरी समझिए तो रेलवे की पटड़ी दा वो बहुत पुरानी रेलवे की पटड़ी है इतना लोग बड़े दूर से लोग आने इतना देखते हैं एंजॉय करते हैं मेरा कैमरामैन इतना आपको दिखे स्टॉप है ये मेन गेट है पटड़ी का ये फाटक का मेन गेट है बड़ी ये बलोचिस्तान पूरी पाकिस्तान के फैली हुई है और ये जरा रोड वेंदे इस साइड से ये देख सकते हैं ये पटड़ी है इस साइड से ये वेंदे नपेट वाली साइड से बलोचिस्तान वाली साइड से सिंध वाली साइड से भी बलोचिस्तान भी जबरदस्त खूबसूरत माहौल है अस मुल्तान में पे इंसान का माहौल जिनाह पार्क के गेट के गेट मैं अंदर वेसा वो खूबसूरत माहौल में दिखेसा क्योंकि जिनाह पार्क के बड़े दूर दूर लोग आते हैं और पिकनिक वास्ते आते हैं इंजॉय करते हैं अगर वे मजी तो माहौल को दिखे अस पार्क के आ चुके हैं अगर वेसू क्योंकि ये पार्क काफ़ी बहुत पुरानी पार्क है और ये पार्क कम से कम 40-50 साल तो स्टार्ट है पार्क क्योंकि बड़ा अच्छा मनाजे रही था ये पार्क के अंदर इस साइड में दिखा दें बड़ी खूबसूरत माहौल है नजर आना पे स्टॉक छोटा बच्चा नजर आए उन्होंने मैं गुफ्तगू न करे वो इतना पिकनिक कराने आया वे अस्सलाम वालेकुम भाई जान कैसे हो ठीक हो खैर खरीत है अच्छा भाई जान ये बताओ आपका नाम क्या है मोहम्मद अली आप कहाँ से आए हो दुकान से अच्छा ये बताओ ये यहाँ पे पिकनिक के लिए आप आए हो तो आज संडे है ना छुट्टी है ना इसलिए तो कैसे पिकनिक आपको लगी इंजॉय की अच्छा ये बताएं और लोग भी हैं और लोगों को आप क्या पैगाम देंगे क्योंकि वो भी यहाँ पे आए और इंजॉय करें पैगाम दे देंगे वो भी आए इंजॉय खेले अच्छा आपको मज़ा आया है बहुत आपकी शादी हुई है शादी नहीं हुई ठीक है अच्छा कोई शेर आता है चलो ठीक है बहुत ज़्यादा असा बिल्कुल पार्क में मौजूद है बिल्कुल पार्क के अंदर है क्योंकि इतना फुलवाड़ी वगैरह भी है बड़ा खूबसूरत निज़ाम है असा तो अपना फुल दिखाने इतना हर तरह का फुल है इतमेट आवे से हर तरह का इतना फुल है हर तरह का फुल मैं तो दिखना मूव कर रहा कैमरा मूव कर अगर वैसे वो बना दे तो वो दिखे सौ इतना पार्क के दोस्त नजर आ गए उन्होंने गुफ्तगू करें ये पार्क में कदम तो स्टार्ट थे और कितों कितों ये लोग आने वो दसे से अगू बैठे गपशप करें हाल वाल करें तो खैर करते
ਨਜ਼ਦੀਕ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਵਾਂਜੇ ਕਿੱਥੋਂ ਆ ਵਾਂਜੇ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾ ਸੁਣੋ ਬਈ ਜਨ ਪਾਸ ਕਰਿਆ ਤੇ ਛੱਡਵੇ ਜ਼ਬਰ ਨਾਂ ਦੱਸੋ ਆਪਣਾ ਮੇਰਾ ਨਾਂ ਰਾਣਾ ਯੂਸਫ ਹੈ ਰਾਣਾ ਯੂਸਫ ਹੈ ਕਿੱਥੋਂ ਹੈ ਇੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਰਿਹਾ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰਿਹਾ ਸੀ ਆਪਣੀ ਨਾਂ ਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਤਾਂ ਬਈ ਜਾਨ ਇਹ ਦੱਸੋ ਯੂਸਫ ਬਾਈ ਜਨਾ ਪਾਰਕ ਬਹੁਤ ਕਾਫੀ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਪਹਿਲੀ ਪਾਰਕ ਹੈ ਜੀ ਸਾਡੀ ਜਿਹੜੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇਹ ਦੱਸੋ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਸਟਾਰਟ ਹੈ ਇਹ ਸਟਾਰਟ ਤਾਂ ਹੈ ਪਹਿਲੇ ਹਾਈ ਸਰਕਾਰੀ ਇਹ ਵੱਲ ਗੌਰਮੈਂਟ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਆਈ ਹੁਣ ਸੀ ਜੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਰਕਾਰੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਹਾਲੀ ਇਹ ਤਾਮੀਰ ਤੈਅ ਨਹੀਂ ਹੋਈ ਹਾਲੀ ਇਹਦੀ ਮਨਜ਼ੂਰੀ ਥੀ ਗਈ ਹੈ ਮਗਰ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੀ ਅਸਾਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਨਜ਼ਦੀਕ ਵਾਕ ਹੀ ਕਰੇ ਲਿਆ ਸਾਡੀ ਫੈਮਿਲੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਹੈ ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਇਹ ਅੱਛੀ ਮਗਰ ਗੌਰਮੈਂਟ ਅਗਰ ਚਾਹੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਤਰੱਕੀ ਦੇ ਕੇ ਅੱਛੇ ਮਾਹੌਲ ਬਣਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਸਾਡਾ ਇਹੋ ਮਸ਼ਵਰਾ ਕਿ ਹਮਸਾਇਗਿਰੀ ਨਾਲ ਜਾਂ ਇਲਾਕੇ ਦੇਰ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਕੋਲ ਨਾਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਆਸਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਲੀ ਬਾਲ ਵਿਵਾਹ ਕਰੇ ਸਨ ਤਲੀਮ ਹਾਸਲ ਕਰੇ ਸਨ ਫਿਰ ਇੱਥਾਂ ਬਹਿ ਕੇ ਇੰਜੋਏ ਕਰੇ ਸਨ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ ਕਿ ਇੱਥਾਂ ਆਏ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਫੰਕਸ਼ਨ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਮੈਨੂੰ ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਗੱਲ ਹਾਂਜੀ ਅਤੇ ਫੰਕਸ਼ਨ ਸੀ ਸਨ ਅਤੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਰੌਣਕ ਸੀ ਅਤੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਤੋਂ ਆ ਕੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੇ ਨਾਂ ਰੋਸ਼ਨ ਸੀ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਮੁਲਤਾਨ ਸ਼ਰੀਫ ਅਸਾਂ ਸਹੀ ਯੂਸਫ ਬਾਈ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਯੂਸਫ ਬਾਈ ਇਹ ਦੱਸਤੇ ਮੁਲਤਾਨ ਦੀ ਕੀ ਤੇਰੀ ਤੁਸਾਂ ਹਾਂਜੀ ਜੀ ਕਿਤਨਾ ਤਾਲਿਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਤਾਲਿਮ ਮੈਟ੍ਰਿਕ ਦੀ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਾਰੋਬਾਰ ਸਾਡਾ ਮੈਡੀਸਨ ਹੈ ਮੈਡੀਸਨ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਸਫ ਬਾਈ ਅਸਾਂ ਯੂਸਫ ਬਾਈ ਨਾਲ ਗੱਪਸ਼ਪ ਕੀਤੀ ਹੈ ਅਚਾਨਕ ਮਿਲ ਗਏ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਅੱਗਾ ਵੀ ਸੁਣ ਮਜ਼ੀਦ ਵੀ ਮੋੜ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਯੂਸਫ ਬਾਈ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਇਸੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਫੁੱਲ ਦਾ ਸੀਨ ਮੈਂ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਪਿਆ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਬੜੇ ਫੁੱਲ ਨੇ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫੁੱਲ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੇ ਬੜਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਔਰ ਮੰਜ਼ਰ ਜ਼ਬਰਦਸਤ ਅੱਛਾ ਮੰਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਜਿਨਾਹ ਪਾਰ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਸੁਣਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਉਹ ਲਿਖੇ ਸੁਤੋ ਅਗੋਂ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਗਾਂ ਵੀ ਆ ਵੀ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਖੂਬਸੂਰਤੀ ਹੈ ਅੱਗਾਂ ਤੋਂ ਉਹ ਲਿਖੇ ਸਵਾਲ ਵੱਲ ਕਰੀਏ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਸਨ ਨਾਲ ਰਹੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਮੈਂ ਸਿੱਤੋ ਅਗੋਂ ਇੱਕ ਲਿਖੇਂਦਾ ਪਿੰਨ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਥਾਂ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਨ ਹੈ ਇੱਥਾਂ ਮਿਸਲ ਬੱਚੇ ਵਗੈਰਾ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਬਹੁਤ ਡਰਦੇ ਨੇ ਖੌਫਨਾਕ ਬੰਗਲਾ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਤਾਂ ਮੈਂ ਹੁਣ ਅੰਦਰ ਵੇ ਸਾਂ ਉਹ ਲਿਖੇ ਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਹੁਣ ਤਾਂ ਖਤਮ ਥੀ ਚੁੱਕੇ ਪਹਿਲੇ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੇ ਪਹਿਲੇ ਜਾਰੀ ਆਈ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਕਿਉਂਕਿ ਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਡਰਦੇ ਹਨ ਤਾਂ ਇਹ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਬਹੁਤ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਨ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਬਾਈ ਕਣੇ ਹਾਲ ਵਾਲ ਕਰੇ ਸੋ ਇੱਕ ਡਾਂਡ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਅੱਛਾ ਯੂਸਫ ਬਾਈ ਇੱਕ ਡਾਂਡ ਤੋਂ ਮਸ਼ਹੂਰ ਹੈ ਤੇ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਖਤਮ ਕਿਉਂ ਕਰ ਗਏ ਇਹ ਖਤਮ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਨਾ ਅੱਛਾ ਕਿਉਂ ਕਿ ਆਵਾਮ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਨਾ ਬਾਲ ਸਿਰਫ ਖੌਫ ਦਾ ਰਾਹ ਥਿੰਦੇ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਅੱਛਾ ਹਾਂ ਇੱਥਾਂ ਮੁxtਲਫ ਯਾਨੀ ਕਿ ਸਪੀਕਰ ਦੇ ਜ਼ਰੀਏ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਵੇਂ ਟਰੋਣੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਆਉਂਦੀਆਂ ਹਾਂ ਤੇ ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਲੋਕ ਡਰਦੇ ਹਨ ਬਾਲ ਡਰਦੇ ਹਨ ਜਿਹਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਡਰਦੇ ਤਾਂ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਨਾ ਉਹ ਡਰ ਗਏ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਇਹ ਅਸਾਂ ਤੋਂ ਲਿਖਾਇਆ ਇਹ ਭੂਤ ਬੰਗਲਾ ਕਿੱਥਾਂ ਇਹ ਮਸ਼ਹੂਰ ਤਰੀਨ ਹੈ ਇਹ ਮਿਨਾਰੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜਨਾਹ ਪਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੇ ਸਹੀ ਅੱਗਾ ਮੈਂ ਸੋ ਮਨਾਜ਼ਰ ਤੋਂ ਲਿਖਿਆ ਇਹ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੇ ਸਹੀ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇਥਾਂ ਇੱਥਾਂ ਸਹੀ ਇਹ ਮੇਨ ਜਿਹੜੀ ਗੇਟ ਹੈ ਅੰਦਰ ਦਾ ਗੇਟ ਇਹ ਇੱਕ ਦਿਨ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਅਸਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਪਏ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਉੱਥਾਂ ਲਿਖੇ ਸੋ ਮਨਾਜ਼ਰ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਦਾਣੇ ਅੱਛਾ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਦੇ ਬੱਚੇ 10 ਤੋਂ 12 ਸਾਲ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਾਣੀ ਹੈ ਕਾਫੀ ਪਾਣੀ ਹੈ ਜਾਂ ਕਿ ਖਾਲੀ ਖੁਸ਼ਕੇ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਇਹ ਸਹੀ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦਾ ਪਿਆ ਸੀ ਅੱਛਾ ਮੇਨ ਗੇਟ ਤੇ ਵੀ ਤਾਂ ਇਹ ਸਹੀ ਮੇਨ ਗੇਟ ਹੈ ਜਿਨਾ ਪਾਰਕ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸਾਂ ਹੀ ਟਾਈਮ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਿਕਣੇ ਆ ਅੱਗਾ ਮੈਸੂ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਵੀ ਉੱਥੇ ਮਨਾਜ਼ਰ ਤੋਂ ਦਿਖੇਂਦੇ ਆ ਝੂਲੇ ਵਗੈਰਾ ਜਿਵੇਂ ਬਾਲ ਝੂਲੇ ਖਾਂਦੇ ਖੜੇ ਉਹਦਾ ਮਨਾਜ਼ਰ ਦਿਖੇਂਦੇ ਆ ਬੜਾ ਆਲਾ ਖੂਬਸੂਰਤ ਮਾਹੌਲ ਹੈ ਇਹ ਇੱਥੇ ਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਝੂਲੇ ਖਾਂਦੇ ਪੈਣ ਇਹ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਨੇ ਪਾਣੀ ਛਾਣੀ ਇੱਥਾਂ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਪਾਣੀ ਦਾ ਟੈਂਕ ਕਹਿ ਨਾ ਖਤਮ ਹੋ ਅੱਛਾ ਨਾ ਪਾਣੀ ਕੁਛ ਨਹੀਂ ਬਾਅਦ ਸੀ ਮੈਂ ਹੁਣ ਸਵਿਮਿੰਗ ਪੂਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੜਾ ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥਾਂ ਪਾਣੀ ਬਿਲਕੁਲ ਹੀ ਕੁਛ ਕਹਿਣਾ ਖਾਲੀ ਹੈ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸਾਈਂ ਨਜ਼ਰ ਆਉਂਦੇ ਪਿਓ ਸਿੰਘ ਬਾਲ ਵਗੈਰਾ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਇਸ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੇ ਬਾਲ ਕੋ ਅੱਲਾ ਬੈਸਤਾ ਓ ਬੈਸਤਾ
ओए ओए डर गया। एक मिनट रुकी, तेरे नाम क्या है? अली हसन। बै बनी था, एक मिनट बै बनी। नाम क्या तेरे? अली हसन। अली हसन तालीम ने करे ना भैया, कहना कितनी क्लास पढ़ता भाई? फोर। अच्छा इतना ना किस टाइम आई तू झूल वगैरह खेलता भाई? सुबह या होना ही होनी आया? अच्छा चलो ठीक है ठीक है ठीक है, मेहरबानी। जी अभी आयो अभी अभी अलावा कुटू। अच्छा तो तू ही होने आई? वाह वाह ठीक है सही ठीक है। असा हूँ अगर वैसे वो मनाजिर दिखे दे तू अगों अगर भी है मनाजिर ये सही माशाल्लाह हरियाली हरियाली देखो सही बड़ी अच्छी हरियाली है, बड़ा मजा आना पे था देख सकते वे और अगर भी है सिंगूल तो मैं ये मनाजिर पे दिखेना बड़ा खूबसूरत ये मनाजिर है और मजा आना पे। अच्छा दोपहरें को आने दोपहरें को आने देख सकते बड़ा आला खूबसूरत ये मंजर है माशाल्लाह। मैं तो हूँ अगर खेद वे क्योंकि अगर भी है स्विमिंग पूल तो इतना ई जिना पार्क के बड़े दूर दूर तू लोग आते हैं तो मुल्तान शहर बड़ा मशहूर है तो मैं माहौल पर लिखे चीज़ के जिना पार्क के बड़ा आला खूबसूरत माहौल है जी। कहाँ पे? वो बड़ा नहीं है क्या? वो बड़ा झूला है ना? हाँ हाँ वहाँ पे भी चल जाता। अच्छा सही है। ओए अपने को पूछा असा सही ये पार्क दा पूरा माहौल दिखा रही थे तो बड़ा अच्छा लगे बड़ा खूबसूरत मंजर है पार्क दा क्योंकि इतना फैमिली भी आया वजह फैमिली भी इंजॉय करें क्योंकि अच्छा संडे है संडे के लिहाज नाल क्योंकि छुट्टी वगैरह होंगी है तो लोग इतना आते इंजॉय कर बड़ा मजा आते देख सकते बड़ा अच्छा मंजर है पार्क दा नजर आता भी इसको तो असा हूँ जारी अपने दवाई वास्ते आए से अस्पताल बने हॉस्पिटल क्योंकि उतना कैमरा चाहते वन पाबंदी है उतना कैमरा नहीं से यूज कर सकते तो असा हूँ वे पे अगू हस्पताल सब टाइम मिल गया असा मजे नबिया दिखे सको माहौल इंशाल्लाह तुसा सब नाल रहा असा वे पे इतना पार्क के एक ये मस्जिद मशहूर है मस्जिद का माहौल दिखे क्योंकि हर पार्क ये मस्जिद होनी चाहिए नमाज वास्ते क्योंकि नमाज भी पढ़नी चाहिए ना क्यों यूसुफ भाई तो नाल रमने असा अगर मस्जिद ये मंदिर दिखे वो दिखे मस्जिद है पार्क के अंदर ये मस्जिद ना है मस्जिद उस्मानिया उस्मानिया मस्जिद ये मशहूर तरीन है फिलहाल तो ताला लगा हुआ है देख सकते उस्मानिया मस्जिद है ये मस्जिद का हदम है के लिए भी कोई भी मसला हो प्रॉब्लम हो पार्क के अंदर मस्जिद के अंदर तो इस नंबर पे रहा है। मिसाल कोई मसला होने कोई गाल होती पार्क के अंदर कोई चाहता हूँ परेशानी बढ़ जाती है इन नंबर से कॉल करे सो वो अमला आवे ठीक है सही असा गावे सो मना कर चुका हूँ ये दरख्त वगैरह इन तरह के बेहतरीन बड़े खूबसूरत दरख्त हैं क्योंकि साय वगैरह से इतना आते हैं ये गर्मी भी बहुत शदीद है तो पानी वगैरह दिखा रहा है ये तले वगैरह को पानी लगा पे देख सकते हैं बड़ा अच्छा मंजर है तो उस साइड ये देख सकते हैं बड़ा खूबसूरत है मनाजिर है क्योंकि ये पार्क बहुत मशहूर तरीन पार्क है इंशाल्लाह अगर तो माहौल लिखे हैं तो संभाल रहा है अगर तो मजीद बोल रही है ये भी स्विमिंग पूल है एक ये डबल है भी है नहीं नहीं तो दिखेंगे पे स्विमिंग पूल ये भी ये बहुत वाडा स्विमिंग पूल सामने देख सकते वे इतों पानी आने बिल्कुल मूव करें थोड़ा कैमरा नजर आना पे इस अगों देख सकते वे नहीं नहीं जिना पार्क बड़ा जबरदस्त माहौल है ए सी बस टर्मिनल मुल्तान लारियाडा उतना मैं मौजूद हाँ और हर तरह की गड्डी इतना मौजूद है फैसल मुहर डेवो और अल बिलाल की गाड़ी हर तरह की इतना गाड़ी मशहूर है मौजूद है ये देख सकते वे कराची इस्लामाबाद फैसल मुहर वी है तो इस साइड की गाड़ी सीजना ला लाहौर बड़ा खूबसूरत माहौल है लारियाडे इतना भी देख सकते हैं बड़ा अच्छा सिस्टम है और सवार नाल बड़ी मोहब्बत करे अड्डा है देख सकते हैं जे तीन थोड़ी नदीत पे उतना ये देख सकते हो।
क्योंकि इलाही अड्डा सा मुल्तान पहला नंबर इलाही अड्डा है तो मैं अगर भी मजीद मैं दिखे सर। अच्छा कोच है इनका ना है कोश्तान कोच इन अपनी टाइम फैसलाबाद इख्तियार है तो मैं कैसा अंदर गड्डी के अंदर और विजिट करके अस गी के अंदर वे पे उसे विजिट कर असा गड्डी के अंदर पहुंच चुके से माशाल्लाह बड़ी खूबसूरत गड्डी है तो कह नहीं देखो कि गड्डी तैयार थी करिए तो मैं मंदिर अगर दिखा देना बड़ा अच्छा मंदिर है एसी वगैरह भी है इतना आखिर तक मैं लिखी था असा का वैसे वो दिखाने मंदिर तो हूँ अगर जल मैं ड्राइवर भाई से बात करूंगा क्योंकि ये गाड़ी का ड्राइवर है और इससे पूछेंगे आपको कितना अर्सा हो गया ये गाड़ी चला रहे हो क्योंकि बस अल्लाह पाक की मेहरबानी है और ये वसीला बना हुआ है। अस्सलाम वालेकुम भाई जान कैसे हो ठीक हो और खैर करिए थे आपका नाम क्या है? तारिक फारूक। अच्छा तारिक फारूक भाई ये बताएं ये गाड़ी कब से चला रहे हो? दो साल से। दो साल से तो कभी कोई परेशानी हुई है कोई ऐसे रास्ते में कोई मसला कोई ऐसे परेशानी कोई नहीं हुई तो आप ये सवारी के साथ ये मोहब्बत करते हैं? ये हमारा बिजनेस है कारोबार है तो कारोबार में बदतमीजी करता है? नहीं बिल्कुल नहीं करता। नहीं वैसे मैं पूछ रहा हूँ मैंने बोला मोहब्बत है। हाँ जी हाँ जी हाँ सही कोई भी है, कोई भी है ये तो हमारी दुकानदारी है बिल्कुल क्योंकि अक्सर लोग होते हैं ऐसे लहजे से बात करते हैं तो कारोबार किसी का भी हो वो अपने कारोबार में तलखी करेगा तो कारोबार फेल हो जाए हाँ बिल्कुल सही बात है। ठीक है तारिक भाई बहुत मेहरबानी आपको अल्लाह पाक ना खुश रखे हम आगे दिखाएंगे माहौल। ठीक है सर आपके टाइम के बहुत मेहरबानी ठीक है ऐसे ही मंदिर नजर आना पे मैं डेवो के गया उतना मैं तो अपना मंदिर लिखा है इस साइड देखते हुए बहुत बड़ा इलाही अड्डा है बड़ा खूबसूरत और गाहक नाल बड़ी मोहब्बत करें और इतना जरा मुल्तान का हलवा मशहूर है हलवा जरा मुल्तान का मशहूर है वो भाई साहब इतना बिचे गपशप करें। अस्सलाम वालेकुम भाई जान क्या हाल है? ठीक ठाक करिया ते ना गया तो शेर मोहम्मद शेर मोहम्मद शेर मोहम्मद भाई ये दसो ये हलवा कदम तू स्टार्ट किते वे कितना अर्सा थी बिचे ने तो 40 साल चालीस साल माशाल्लाह हलवा अच्छा है ठीक है मेहरबानी ऐसे ही हलवा ये मुल्तान का मशहूर तरीन हलवा है अगर मैं ये मर्दा भी खेना तो सन्नाल रामने डैबो वगैरह ये तैयार हैं बड़ा खूबसूरत गड्डिया एक चंदे हाँ तो मैं दिखेना पे बड़ा अच्छा मंजर है इतना एक दोस्त नज़र आ गए क्योंकि ये बड़े पुराने ट्रांसपोर्ट के मैनेजर भी हैं ताहिन में गप शप करे सा। अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम क्या हाल भाई जान ठीक हो खैर खैरियत है अपना तारुफ कर दसो मेरा नाम मोहम्मद इमरान डोगर है। अच्छा इमरान डोगर भाई ये दसो कितना अर्सा दिखे तो ट्रांसपोर्ट में चले जाए तकरीबन ट्रांसपोर्ट के 23 साल थे गए अच्छा भाई साहब ये दसो ना तालीम थोड़ी बहुत की तुझे तुसा? नहीं सर मेरी तालीम है तकरीबन अंडर मैट्रिक। अच्छा बस अल्हम्दुलिल्लाह ना गुजारा चल जाए ना बड़ा शुक्र है मालिक दा जी बड़ा करम है बड़ा ठीक है सही ना तो सब टाइम दिते तो बहुत मेहरबानी इंशाल्लाह ये सही ये इतना ये ट्रांसपोर्ट इलाके दा ये मशहूर है मुल्तान तो पहली है एशिया दा हां एशिया दा सब तो बड़ा अड्डा है हां एशिया एशिया सब तो बड़ा अड्डा है सिटी एसी बस को मिला मुल्तान पाकिस्तान के अलावा एशिया की गल करें एशिया हाँ जी बाकी तुसा पाकिस्तान के जेड़े मर्जी कोने से चले जाओ इन अड्डा मिलता है ना तो सहूलियात सहूलियात बहुत ज्यादा हर तरह खाना फ्री है इतने गवर्नमेंट तरफों गाड़ी अस अपनी गड्डिया च भी देने गवर्नमेंट की तरफों भी कैंप लगे हुए सौन की सहूलियात भी गवर्नमेंट की तरफों बिल्कुल बिल्कुल ठीक है बावन उठन की सहूलियात बड़ी बेहतरीन है बिल्कुल हर तरह का निजाम है निजाम सहूलत है बड़ी सहूलत है बिल्कुल हुकूमत ने बड़ा अच्छा सहूलत और दी तो
ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੜਾ ਤਾਮਨ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨੇ ਹੁਣ ਵੀ ਤਾਮਨ ਕਰਦੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਾਹੌਲ ਦੇਖ ਲਓ ਜਿਵੇਂ ਪਾਰਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾ ਹੋਇਆ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪਾਰਕ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਬਾਕੀ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਵੀ ਦੇਖ ਲਓ ਉਹਨੇ ਜਵਾਨ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ ਤੋ ਵੀ ਜੇ ਸਿਟੀ ਅੱਡਾ ਨਹੀਂ ਸਿਟੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਬੜਾ ਅੱਛਾ ਅੱਡਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਹੀ ਬਹੁਤ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਅੱਲਾਹ ਪਾਕ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਤੇ ਬਾਤ ਰੱਖੇ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਰਾਤ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਮੁਲਤਾਨ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਸੀ ਇਹ ਇੱਕ ਸਾਰਾ ਦੋਸਤ ਹੈ ਉਹਦੀ ਬੈਠਕ ਇੱਥੇ ਰਾਤ ਗੁਜ਼ਾਰ ਮੈਨੂੰ ਗੁਜ਼ਾਰੀ ਸੀ ਉਹਦੀ ਵੀ ਬੈਠਕ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਵੇ ਬੜੀ ਅੱਛੀ ਬੈਠਕ ਹੈ ਨਜ਼ਰਾਂ ਦੀ ਵਿਊ ਸੀ ਰਾਤ ਕਿਵੇਂ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਸ਼ੁਕਰ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾਹ ਬਹੁਤ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਅੱਛੀ ਗੁਜ਼ਰੀ ਹੈ ਸਕੂਨ ਆਇਆ ਨਿੰਦਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ ਤਾਂ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਤਾਂ ਅਸਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਸਾਕੋ ਰਾਤ ਕੋ ਦਵਾਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਸਕੀ ਐਤਵਾਰ ਰਹੀ ਅਤੇ ਹਸਪਤਾਲ ਬੰਦ ਹੈ ਅਸਾਂ ਹੁਣ ਵੇਸੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਇੱਥੋਂ ਨਿਕਲਣੇ ਹੁਣ ਪੰਜ ਮਿੰਟ ਤੱਕ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਉੱਥੋਂ ਜਾਣੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਦਵਾਈ ਗਿਣ ਸੋ ਦਵਾਈ ਗਿਣ ਦੇ ਵਾਲ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਘਰ ਰਵਾਨਾ ਦੀ ਸੋ ਤਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਡੀ ਵੀਡੀਓ ਅੱਛੀ ਲੱਗੀ ਹੋਵੇ ਪਸੰਦ ਆਈ ਹੋਵੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਕੋ ਗੁਲਾਬ ਟੀਵੀ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰੇ ਸੋ ਲਾਈਕ ਕਰੇ ਸੋ ਜਿੰਨਾ ਥੀ ਸਕੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰੇ ਸੋ ਕਿਉਂਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਯਾਰ ਸਾਰੇ ਦੋਸਤ ਨਾਲ ਵੀਡੀਓ ਵੱਡੇ ਦੇ ਵੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਸਪੋਰਟ ਨਾਲ ਅਸਾਂ ਚੱਲਦੇ ਪਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅਗਲੀ ਵੀਡੀਓ ਨਾਲ ਮਿਲ ਸੋ ਅੱਲਾ ਹਾਫਿਜ਼।